रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पैदाही तौर पर पाई जाने वाली एक रेयर आई डिजीज है। इस डिजीज में आईज की लाइट सेंसिटिव लेयर यानी रेटिना डैमेज हो जाती है, जिससे पेशेंट्स की देखने की सलाहियत ख़त्म या कम हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा क्यों और कैसे होता है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक रेयर आई डिजीज है जो आई रेटिना को डैमेज करती है। रेटिना हमारी आईज की बैक पर मौजूद एक लाइट सेंसिटिव लेयर होती है, जो लाइट रेस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करती है। नॉर्मल ह्यूमंस में रेटिना सेल्स रिपेयर होते रहते हैं, लेकिन रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के पेशेंट्स में पैदाइशी तौर पर डीएनए के आरएचओ जीन में चेंजेस हो जाती हैं, जिससे रेटिना सेल्स की डेवलपमेंट स्लो जबकि ब्रेकडाउन तेज हो जाती है, जो एज बढ़ने के साथ साथ विजन लॉस की वजह बनती है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के पेशेंट्स को रात के वक्त और डिम लाइट में दिखना बंद हो जाता है और उनकी साइड विजन यानी कि सीधा खड़े होने पर इर्द गिर्द देखने की सलाहियत भी कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा इस डिजीज़ के पेशेंट्स कलरफुल थिंग्स में फ़र्क नहीं कर पाते और उनकी आईज फ्लैश लाइट में भी काम करना छोड़ देती हैं। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा को डायलेटेड आई एग्जामिनेशन ERG यानी कि इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी टेस्ट, OCT यानी कि ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी स्कैन और फंडस ऑटोफ्लोरोसेंस टेस्ट के थ्रू डायग्नोस किया जा सकता है। आजकल के एडवांस्ड एरा में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा को ज़्यादातर विजन एड डिवाइसेस जैसे कि मैग्नीफायर्स और जीन थेरापी के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। जीन थेरापी में डिफेक्टिव आरएचओ जीन को नॉर्मल जीन के साथ रिप्लेस किया जाता है।